बदल गया है, अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। गाइस, होशियार रहना। रोश अटैक। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंदा कार्डम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंदा कार्डम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंदा कार्डम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओनम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिनजीत की अज्ञाथन की किसी कंदा कार्डम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक की सकारात्मक की समीक्षा मिली। विस्फोटक की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कारम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनय की किसी कंधा कारम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कले पत्थर रिजॉर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती जब एक बंदूक गायब हो जाती। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमोत्कर्ष के साथ किसी कंदा कारम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंदा कारम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औक्सित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करती है। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और धवानी डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब और मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और सुराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की सुराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को ऑक्सीड करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलो अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थे सर देखकर आसिफ अली की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टका पाइपलाइन में है। यह भी देखें कि 224 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म में 224 की सर्वश्रेष्ठ रेटेड मलयालम फिल्म में नवीनतम मलयालम फिल्म है और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक किया गया था। किसी कंदम की 224 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों की
उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई कार्रवाई ने सुरक्षा समाधान को ट्रिगर किया। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है, जिसमें एक नीचे सभी वाक्यांश, एक सगर की कमांड या विक्रोध डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड फ्लेयर आईडी क्या है। और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक ही किया गया था, नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णमती के लिए ही किसिकंदा काडम अनुवाद किसिकंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो देनजीत की आज्ञाधन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली, अर्पना बलमुरली और विजय राघवन ने कहानी बंदरों के निवास वाले करेपति आरक्षित वन में घटित होती है, जहां पूर्व सैन्य अधिकारी अपू बिले और उनकी बेटी वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गई। आप फिल्म का संगीत मुजीब मजीद की तरह तैयार किया गया था। आजब की निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईएस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया और कहानी पर्कटा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की नवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक की प्रस्तुत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते, जहां वह अपने पिता अपू पिला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है, जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अपू पिला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अपू पिला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए, उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समझो कि व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चलता है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है, उसे अपने ससुर अपू पिला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव, गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अपू पीला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करते हैं। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अपू पीला से उसकी सृष्टि के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक व्यक्ति जिसका अपू पिला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है।
अप्पू पीला दीवार पर लगी तस्वीरों से आंगतुंग को पहचानने की कोशिश करता है और अमरुद के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोट्स निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे, अप्पू पीला को अमरुद पसंद ही होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोट्स तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पीला की अमरुद पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिस पर अमरुद कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते, अजय और अर्पना घर लौट आते और अमरुद जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पीला के कुछ नोट्स ले लेता है। अप्पू पीला का अमृता पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्य को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पीला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पीला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कंदा कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंदा कांडम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंदा कारम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंदा कारम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओणम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंदा कारम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक ही सकारात्मक की समीक्षा मिली। विस्फोटक की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कारम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनीत की किसी कंधा कारम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कले पत्थर रिजॉर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती है जब एक बंदूक गायब हो जाती है। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर्ष के साथ किसी कंदा कारम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंदा कारम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को आकर्षित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करती है। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और धवानी डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब और मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और सुराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की स्वराज की ईस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को आकर्षित करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलो अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थेसर देखकर आसिफ अली की बहुप्रेक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखें कि 24 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म में 24 की सर्वश्रेष्ठ रेटेड मलयालम फिल्म में नवीनतम मलयालम फिल्म है और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक की किया गया था। किसी कंदम की 24 मूवी की रिव्यू के लिए ही
तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई कार्रवाई ने सुरक्षा समाधान को ट्रिगर किया। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है, जिसमें एक नीचे सभी वाक्यांश, एक सगर की कमांड या विकृत डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड फ्लेयर आईडी क्या है। और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक ही किया गया था, नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णमति के लिए ही किसी कंदा काडम अनुवाद किसी कंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो देंजी की आज्ञाधन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली, अर्पना बलमुरली और विजय राघवन ने कहानी बंदरों के निवास वाले कलेपति आरक्षित वन में घटित होती है, जहां पूर्व सैन्य अधिकारी अप्पू पिल्ले और उनके बेटे वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गए। आप फिल्म का संगीत मुजीब मजीद की तरह तैयार किया गया था, जबकि निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईएस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया और कहानी पटकथा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर वैसाही के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की नवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक की प्रस्तुत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते, जहां वह अपने पिता अप्पू पिल्ला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है, जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अप्पू पिल्ला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अप्पू पिल्ला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए, उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समीक्षकों की व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चल रहा है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है, उसे अपने ससुर अप्पू पिल्ला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव, गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पिल्ला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करते हैं। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पिल्ला से उसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए।
अमृता लाल नाम का एक व्यक्ति जिसका अप्पू पिल्ला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पिल्ला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुक को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोट्स निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे, अप्पू पिल्ला को अमृत पसंद ही होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोट्स तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पिल्ला की अमृत पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिस पर अमृत कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते, अजय और अर्पना घर लौट आते और अमृत जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पिल्ला के कुछ नोट्स ले लेते हैं। अप्पू पिल्ला का अमृता पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्य को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पिल्ला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पिल्ला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कंदा कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंदा कांडम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंदा कारम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंदा कारम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओणम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंदा कारम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक ही सकारात्मक की समीक्षा मिली। विस्फोटक की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कारम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनीत की किसी कंधा कारम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कलेपथी रिजॉर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती है जब एक बंदूक गायब हो जाती है। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर्ष के साथ किसी कंदा कारम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंदा कारम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को आकर्षित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करती है। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और ध्वनि डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और सुराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की स्वराज की ईस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को आकर्षित करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलू अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थे सर देखकर आसिफ अली की बहुप्रेक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखें कि 24 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्में 24 की शीर्ष रेटेड मलयालम फिल्में नवीनतम मलयालम फिल्में हैं।
और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक किया गया था। किसी कंडम की 24 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों की उपयोग करें। आपकी द्वारा अभी अभी एक कई कार्रवाई ने सुरक्षा समाधान को ट्रिगर किया। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है, जिसमें एक निश्चित सभी वाक्या एक सगर की कमांड या विकृत डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड प्लेयर आईडी क्या है। और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वस्मृति के लिए ही किसी कंदा काडम अनुवाद किसी कंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो देंजी की आज्ञाधन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पना बलमुरली और विजय राघवन ने कहानी बंदरों की निवास वाले करेपति आरक्षित वन में घटित होती है, जहां पुरुष सैन्य अधिकारी अप्पू पिल्ले और उनके बेटे वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गई। आप फिल्म का संगीत मुजीब मजीद की तरह तैयार किया गया था। आजब की निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईएस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया और कहानी पटकथा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते, जहां वह अपने पिता अप्पू पिल्ला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है, जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अप्पू पिल्ला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अप्पू पिल्ला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समीक्षकों की व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रहस्य में परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चल रहा है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है, उसे अपने ससुर अप्पू पिल्ला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव, गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पिल्ला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि
हनी से प्रीत है, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करते हैं। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पिला से उसकी सृष्टि के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता होने का लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक व्यक्ति जिसका अप्पू पिला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पिला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुक को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोटिस निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे, अप्पू पिला को अमृत पसंद ही होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोटिस तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा ना करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पिला की अमृत पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिस पर अमृत कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते अजय और अर्पणा घर लौट आते और अमृत जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पिला के कुछ नोटिस ले लेते हैं। अप्पू पिला का मृत्यु पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्य को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पिला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पिला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अली की आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कंदा कांडम मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंदा कांडम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंदा कारम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंदा कारम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने के तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओणम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंदा कारम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक ही सकारात्मक की समीक्षा मिली। विस्फोटक के लिए ही समीक्षकों की विस्फोटर की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कारम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनय की किसी कंधा कारम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कले पत्थर रिजॉ फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती है जब एक बंदूक गायब हो जाती है। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर्ष के साथ किसी कंदा कारम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिलई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंदा कारम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औक्सित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करती है। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और ध्वनि डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और स्वराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की स्वराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को
ऑक्सीड करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलू अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थेसर देखकर आसिफ अली की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखिए कि 2024 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म 2024 की श्रेष्ठ रेटेड मलयालम फिल्म नवीनतम मलयालम फिल्म है और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक किया गया था। किसी कंडम की 2024 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई कार्रवाई सुरक्षा मदद समाधान को ट्रिगर किए ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है, जिसमें एक नीचे सभी वाक्यांश एक सगर की कमांड या विक्रोध डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड प्लेयर आईडी क्या है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णमति के लिए ही किसी कंदा काडम अनुवाद किसी कंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो दिनजीत की अज्ञातन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पना बलमुरली और विजय राघवन ने कहानी बंदरों के निवास वाले करेपति आरक्षित वन में घटित होती है, जहां पुरुष सैन्य अधिकारी अप्पू बिले और उनके बेटे वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गई। आप फिल्म का संगीत मुजीब मजीद की तरह तैयार किया गया था, जबकि निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईएस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया और कहानी पटकथा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर वैसाही के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की नवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते जहां वह अपने पिता अप्पू पिल्ला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अप्पू पिल्ला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अप्पू पिल्ला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समीक्षकों की व्यक्तिगत रास्ते के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रास्ते में परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चलता है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है, उसे अपने ससुर अप्पू पिल्ला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव, गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति
जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पीला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनके पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करता है। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पीला से उसकी सृष्टि के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता होने का लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक वैद्य जिसका अप्पू पीला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पीला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुकों को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोट्स निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे, अप्पू पीला को अमृत पर संदेह होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोट्स तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पीला की अमरूद पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिस पर अमरूद कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते अजय और अर्पना घर लौट आते और अमरूद जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पीला के कुछ नोट्स ले लेता है। अप्पू पीला का अमृता पर पड़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्यों को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पीला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पीला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंधा कांडम OTT सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंधा कारम कथित तौर पर OTT रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंधा कारम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओणम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंधा कारम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक की सकारात्मक की समीक्षा मिली। विस्फोटक की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कारम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनीत की किसी कंधा कारम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कले पत्थर रिजॉ फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती जब एक बंदूक गायब हो जाती। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर्ष के साथ किसी कंधा कारम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पीले नामक एक पुरुष सैन्य के अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंधा कारम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औक्सित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और धवानी डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और सुराज की एस का
निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की स्वराज की ईस का निष्पादन फिल्म की धीमी खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसी सुराग देती जो दर्शकों को आकर्षित करती और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलू अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थेसर देखकर आसिफ अली की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखिए कि 224 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्में 224 की श्रेष्ठ रेटेड मलयालम फिल्में नवीनतम मलयालम फिल्में हैं और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक किया गया था। किसी कंडम की 224 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई कार्रवाई ने सुरक्षा समाधान को ट्रिगर किया। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है, जिसमें एक नीचे सभी वाक्यांश एक सगर की कमांड या विक्रो डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड प्लेयर आईडी क्या है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णमति के लिए ही किसिकंदा काडम अनुवाद किसिकंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो दिनजीत की अज्ञातन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पना बलमुरली और विजय राघवन ने कहानी बंदरों के निवास वाले करीपति आरक्षित वन में घटित होती है, जहां पुरुष सैन्य अधिकारी अपू बिले और उनकी बेटी वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गए। आप फिल्म का संगीत मुजीब मजीद की तरह तैयार किया गया था। आजब की निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया और कहानी पटकथा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर वैसाही के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 224 की नवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते, जहां वह अपने पिता अपू पिल्ला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है, जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अपू पिल्ला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अपू पिल्ला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समीक्षकों की व्यक्तिगत रास्ते के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रास्ते में परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चलता है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है।
जैसे ही अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है, उसे अपने ससुर अप्पू पीला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव, गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पीला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करता है। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पीला से उसकी सृष्टि के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता होने का लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक वैद्य जिसका अप्पू पीला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पीला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुक को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोटिस निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे, अप्पू पीला को अमृत पर संदेह होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोटिस तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पीला की अमृत पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिस पर अमृत कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते अजय और अर्पणा घर लौट आते और अमृत जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पीला के कुछ नोटिस ले लेता है। अप्पू पीला का अमृता पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्य को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पीला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पीला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंदा कांडम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंदा कारम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंदा कारम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओनम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंदा कारम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक की सकारात्मक की समीक्षा मिली। विस्फोटक की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कारम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनीत की किसी कंधा कारम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कले पत्थर रिजॉर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती जब एक बंदूक गायब हो जाती। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर्ष के साथ किसी कंदा कारम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंदा कारम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औसित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करती है। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय
वायु मार्ग दिल्ली की सेटिंग और धवानी डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्थरों की कच्ची और उदमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब और मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र है और स्वराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की स्वराज की ईस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसी सुराग देती जो दर्शकों को आकर्षित करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलो अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थेसर देखकर आसिफ अली की बहुप्रेक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखें कि 224 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म 224 की सर्वश्रेष्ठ रेटेड मलयालम फिल्म नवीनतम मलयालम फिल्म है और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक किया गया था। किसी कंडम की 224 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई कार्रवाई ने सुरक्षा मजा समाधान को ट्रिगर किया। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है, जिसमें एक निश्चित सभी वाक्यांश, एक सगर की कमांड या विकृत डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड प्लेयर आईडी क्या है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णवती के लिए ही किसिकंदा काडम अनुवाद किसिकंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो देंजीत की आज्ञाधन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पना बलमुरली और विजय राघवन है। कहानी बंदरों के निवास वाले करीबी आरक्षित वन में घटित होती है, जहां पुरुष सैन्य अधिकारी अपू बिले और उनके बेटे वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गए। आप फिल्म का संगीत मुजीब मजीद की तरह तैयार किया गया था। आजब की निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया और कहानी पटकथा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर वैसाही के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की नवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक की प्रस्तुत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते, जहां वह अपने पिता अपू पिला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है, जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अपू पिला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अपू पिला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समीक्षकों की व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रहस्य में परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का
भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चलता है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे ही अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है, उसे अपने ससुर अप्पू पीला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नज़र आने लगता है। उसके मूड में बदलाव, गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पीला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करता है। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पीला से उसकी सृष्टि के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता होने का लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक वैद्य जिसका अप्पू पीला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पीला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुक को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोटिस निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे, अप्पू पीला को अमृत पर संदेह होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोटिस तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा ना करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पीला की अमृत पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिस पर अमरूद कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते अजय और अर्पणा घर लौट आते और अमरूद जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पीला के कुछ नोटिस ले लेता है। अप्पू पीला का अमृता पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्य को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पीला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पीला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंधा कांडम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंधा कांडम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंधा कांडम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओणम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंधा कांडम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक ही सकारात्मक की समीक्षा मिली। विस्फोटक के लिए ही समीक्षकों की विस्फोटर की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कांडम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनीत की किसी कंधा कांडम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कलेपथी रिजॉर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती जब एक बंदूक गायब हो जाती। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमोत्कर्ष के साथ किसी कंधा कांडम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया
किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कन्नड़ काडम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि प्रकटा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औसित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करती है। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और धवानी डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब और मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और स्वराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की स्वराज की ईस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। प्रकटा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औक्सित करती और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलो अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थे सर देखकर आसिफ अली की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखें कि 224 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म में 224 की सर्वश्रेष्ठ रेटेड मलयालम फिल्म में नवीनतम मलयालम फिल्म है और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक किया गया था। किसी कंडम की 224 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई कार्रवाई ने सुरक्षा समाधान को ट्रिगर किया। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है जिसमें एक नीचे सभी वाक्यांश एक सगर की कमांड या विकृत डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड फ्लेयर आईडी क्या है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णवती के लिए ही किसिकंदा काडम अनुवाद किसिकंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो दिनजीत की आज्ञाधन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पना बलमुरली और विजय राघवन ने कहानी बंदरों के निवास वाले कलेपति आरक्षित वन में घटित होती है जहां पुरुष सैन्य अधिकारी अप्पू पिल्लई और उनके बेटे वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गई। आप फिल्म का संगीत मुजीब मजीद की तरह तैयार किया गया था जबकि निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईएस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया और कहानी प्रकटा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर वैसाही के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की नवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते जहां वह अपने पिता अप्पू पिल्लई एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अप्पू पिल्लई को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अप्पू पिल्लई की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी
उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समझो कि व्यक्तिगत रास्ते के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चलता है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है, उसे अपने ससुर अप्पू पीला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव, गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पीला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करते हैं। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पीला से उसकी सृष्टि के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता होने का लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक व्यक्ति जिसका अप्पू पीला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पीला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुक को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोटिस निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे, अप्पू पीला को अमृत पर संदेह होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोटिस तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पीला की अमृत पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिस पर अमृत कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते अजय और अर्पणा घर लौट आते और अमृत जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पीला के कुछ नोटिस ले लेता है। अप्पू पीला का अमृता पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्य को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पीला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पीला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कंदा कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंदा कांडम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंदा कारम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंदा कारम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओणम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंदा कारम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक की सकारात्मक की समीक्षा मिली। विस्फोटक के लिए ही समीक्षकों की विस्फोटर की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कारम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनीत की किसी कंधा कारम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कलेपथी रिजॉर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है।
और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती जब एक बंदूक गायब हो जाती। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर के साथ किसी कंधा काडम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंधा काडम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को आकर्षित करती, धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करती है। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और धवानी डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और स्वराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की स्वराज की ईस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को आकर्षित करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलो अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थेसर देखकर आसिफ अली की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखें कि 24 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म में 24 की सर्वश्रेष्ठ रेटेड मलयालम फिल्म में नवीनतम मलयालम फिल्म है और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक की किया गया था। किसी कंडम की 24 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई कार्रवाई ने सुरक्षा समाधान को ट्रिगर किया। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है, जिसमें एक निश्चित सभी वाक्यांश, एक सगर की कमांड या विकृत डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड प्लेयर आईडी क्या है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णमति के लिए ही किसी कंदा काडम अनुवाद किसी कंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो देंजीत की आज्ञाधन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पना बलमुरली और विजय राघवन ने कहानी बंदरों के निवास वाले कलेपति आरक्षित वन में घटित होती है, जहां पुरुष सैन्य अधिकारी अप्पू पिल्लई और उनके बेटे वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गई। आप फिल्म का संगीत मुजीब मस्जिद की तरह तैयार किया गया था। अजब की निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया और कहानी पटकथा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे आधी कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की नवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक की प्रस्तुत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते, जहां वह अपने पिता अप्पू पिल्लई एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है, जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अप्पू पिल्लई को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अप्पू पिल्लई की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है।
लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समझो कि व्यक्तिगत रास्ते के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चल रहा है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है, उसे अपने ससुर अप्पू पीला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव, गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पीला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करते हैं। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पीला से उसकी सृष्टि के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता होने का लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक व्यक्ति जिसका अप्पू पीला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पीला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुक को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोट्स निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे, अप्पू पीला को अमृत पसंद ही होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोट्स तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पीला की अमृत पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिस पर अमरुद कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते अजय और अर्पणा घर लौट आते और अमरुद जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पीला के कुछ नोट्स ले लेता है। अप्पू पीला का मृत्यु पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्य को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पीला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पीला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कंदा कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंधा कांडम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंधा कांडम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंधा कांडम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओणम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंधा कांडम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक ही सकारात्मक समीक्षा मिली। विस्फोटक के लिए ही समीक्षकों की
विस्फोटर की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती। किसी कंधा की कारम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनीत की किसी कंधा कारम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे काले पत्थरी जो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती है जब एक बंदूक गायब हो जाती। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर्ष के साथ किसी कंधा कारम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंधा कारम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि प्रकटा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औक्सित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करती है। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और ध्वनि डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उदमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और सुराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की स्वराज की ईस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकटा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औक्सित करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलू अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थे सर देखकर आसिफ अली की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखें कि 24 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म में 24 की श्रेष्ठ रेटेड मलयालम फिल्म में नवीनतम मलयालम फिल्म में है और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक की किया गया था। किसी कंडम की 24 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई करवाई ने सुरक्षा मजा समाधान को ट्रिगर किए। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है जिसमें एक नीचे सभी वाक्यांश एक सगर की कमांड या विकृत डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड प्लेयर आईडी क्या है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णमति के लिए ही किसी कंदा काडम अनुवाद किसी कंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो देंजी की अज्ञातन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पणा बलमुरली और विजय राघवन ने कहानी बंदरों की निवास वाले करेपति आरक्षित वन में घटित होती है जहां पुरुष सैन्य अधिकारी अप्पू पिल्लई और उनके बेटे वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त तो हो गई। आप फिल्म का संगीत मुजीब मस्जिद की तरह तैयार किया गया था आज जबकि निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईएस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया और कहानी पटकटा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसायिक के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे आधी कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की नवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते जहां वह अपने पिता
अप्पू पीला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है, जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अप्पू पीला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अप्पू पीला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समझो कि व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रहस्य में परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चल रहा है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे ही अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है, उसे अपने ससुर अप्पू पीला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव, गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पीला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करते हैं। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पीला से उसकी सृष्टि के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक व्यक्ति जिसका अप्पू पीला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पीला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुक को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोटिस निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे, अप्पू पीला को अमृत पर संदेह होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पिछले नोटिस तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पीला की अमृत पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है, जिस पर अमरुद कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते अजय और अर्पणा घर लौट आते और अमरुद जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पीला के कुछ नोटिस ले लेता है। अप्पू पीला का मृत्यु पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्य को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पीला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पीला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंदा कांडम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंदा कारम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है।
फिल्म बीट के अनुसार किसी कंधा कारम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओणम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंधा कारम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक ही सकारात्मक समीक्षा मिली। विस्फोटक के लिए ही समीक्षकों की विस्फोटर की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कारम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनीत की किसी कंधा कारम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कले पत्थर रिजॉ फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती जब एक बंदूक गायब हो जाती। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर्ष के साथ किसी कंधा कारम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंधा कारम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औक्सित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और धवानी डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और सुराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की सुराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औक्सित करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलू अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थे सर देखकर आसिफ अली की बहुप्रेक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखें कि 224 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म में 224 की श्रेष्ठ रेटेड मलयालम फिल्म में नवीनतम मलयालम फिल्म है और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक की किया गया था। किसी कंडम की 224 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई करवाई सुरक्षा मदद समाधान को ट्रिगर किए ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है जिसमें एक नीचे सभी वाक्यांश एक सगर की कमांड या विक्रू डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड प्लेयर आईडी क्या है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णमति के लिए ही किसी कंधा कारम अनुवाद किसी कंधा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो दिनजीत की अज्ञाथन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पणा बलमुरली और विजय राघवन ने कहानी बंदरों के निवास वाले करे पति आरक्षित वन में घटित होती है जहां पुरुष सैन्य अधिकारी अप्पू पिल्लई और उनकी बेटी वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गए। आप फिल्म का संगीत मुजीब मस्जिद की तरह तैयार किया गया था जबकि निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईएस और
बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 20 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया और कहानी पटकथा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर वैशाखी के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते जहां वह अपने पिता अप्पू पिल्ला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास से स्थित है जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अप्पू पिल्ला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अप्पू पिल्ला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समझकों की व्यक्तिगत रास्ते के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रास्ते में परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चलता है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है उसे अपने ससुर अप्पू पिल्ला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पिल्ला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करता है। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पिल्ला से उसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक व्यक्ति जिसका अप्पू पिल्ला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पिल्ला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुकों को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोटिस निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे अप्पू पिल्ला को अमृत पर संदेह होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोटिस तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पिल्ला की अमृत पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है जिस पर अमृत कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते अजय और अर्पणा घर लौट आते और अमृत जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पिल्ला के कुछ नोटिस ले लेता है। अप्पू पिल्ला का अमृता पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्यों को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पिल्ला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पिल्ला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप
अली की आसिफ अली की फ़ैन हूँ और किसी कंडा कांडो मूवी को देखना पसंद करती हूँ और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंधा कार्डम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंधा कार्डम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंधा कार्डम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओणम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंधा कार्डम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक ही सकारात्मक समीक्षा मिली। विस्फोटक की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कार्डम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनीत की किसी कंधा कार्डम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कले पत्थर रिजॉर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती जब एक बंदूक गायब हो जाती। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर्ष के साथ किसी कंधा कार्डम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंधा कार्डम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औक्सित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और धवानी डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और स्वराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की स्वराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती जो दर्शकों को औक्सित करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलू अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थे सर देखकर आसिफ अली की बहुप्रेक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखिए कि 224 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्में 224 की शीर्ष रेटेड मलयालम फिल्में नवीनतम मलयालम फिल्में हैं और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक किया गया था। किसी कंडम की 224 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपकी डर अभी अभी एक कई कार्रवाई ने सुरक्षा समाधान को ट्रिगर किया। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है जिसमें एक नीचे सभी वाक्यांश एक सगर की कमांड या विक्रो डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड प्लेयर आईडी क्या है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णवती के लिए ही किसी कंधा कार्डम अनुवाद किसी कंधा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की रहस्य थेरेपी में जो दिनजीत की अज्ञाथन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पणा बलमुरली और विजय राघवन ने कहानी बंदरों के निवास वाले करेपति आरक्षित वन में घटित होती है जहां पुरुष सैन्य अधिकारी अप्पू पिल्लई और उनके बेटे वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्माकांड के बाद समाप्त हो गई।
अफीम का संगीत मुजीब मजीद की तरह तैयार किया गया था। अजब की निष्पादन और छायांकन क्रोम सूरज ईस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया और कहानी पटकथा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर वैसाही के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते जहां वह अपने पिता अप्पू पिल्ला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास से स्थित है जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अप्पू पिल्ला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अप्पू पिल्ला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वाला पता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समझकों की व्यक्तिगत रास्ते के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रास्ते में परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चलता है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है उसे अपने ससुर अप्पू पिल्ला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पिल्ला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करते हैं। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पिल्ला से उसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता होने का लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक व्यक्ति जिसका अप्पू पिल्ला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पिल्ला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुक को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोटिस निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे। अप्पू पिल्ला को अमृत पर संदेह होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोटिस तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पिल्ला की अमृत पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है जिस पर अमृत कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते अजय और अर्पणा घर लौट आते और अमृत जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पिल्ला के कुछ नोटिस ले लेता है। अप्पू पिल्ला का अमृता पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्य को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पिल्ला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और अप्पू पिल्ला पूछताछ करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंधा कार्डम ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंधा कार्डम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंधा कार्डम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओनम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंधा कार्डम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक की सकारात्मक समीक्षा मिली। विस्फोटक की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कार्डम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनय की किसी कंधा कार्डम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कले पत्थर रिजॉर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती जब एक बंदूक गायब हो जाती। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर्ष के साथ किसी कंधा कार्डम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंधा कार्डम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औसित करते धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करती है। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और धवानी डिजाइन के साथ उड़कों से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब और मजीद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और सुराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की सुराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को औक्सित करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलु अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थे सर देखकर आसिफ अली की बहुप्रेक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टका पाइपलाइन में है। यह भी देखें कि 224 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म 224 की शीर्ष रेटेड मलयालम फिल्म नवीनतम मलयालम फिल्म है और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक किया गया था। किसी कंडम की 224 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई कार्रवाई ने सुरक्षा समाधान को ट्रिगर किया। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है जिसमें एक निश्चित सभी वाक्यांश एक सगर की कमांड या विकृत डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड प्लेयर आईडी क्या है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वस्मती के लिए ही किसिकंदा कार्डम अनुवाद किसिकंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की राष्ट्रीय थेरेपी में जो दिनजीत की अज्ञाथन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पणा बलमुरली और विजय राघवन है। कहानी बंदरों के निवास वाले करेपति आरक्षित वन में घटित होती है जहां पुरुष सैन्य अधिकारी अप्पू पिल्लई और उनके बेटे वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं।
मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू हुई और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गई। आप फिल्म का संगीत मुजीब मजीद की तरह तैयार किया गया था। आजब की निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईएस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया और कहानी पटकथा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर वैसाही के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की नवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक की प्रस्तुत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते जहां वह अपने पिता अप्पू पिल्ला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अप्पू पिल्ला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अप्पू पिल्ला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समझो कि व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रहस्य में परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चलता है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे ही अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है उसे अपने ससुर अप्पू पिल्ला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अप्पू पिल्ला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करते हैं। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अप्पू पिल्ला से उसकी स्थिति के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता होने का लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक व्यक्ति जिसका अप्पू पिल्ला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अप्पू पिल्ला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुक को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे से नोटिस निकालता है। हालांकि वे दोनों सेना के सहकर्मी थे अप्पू पिल्ला को अमृत पर संदेह होने लगा कि उसने याद करते हुए कहा कि उसने जो अपने पीछे नोटिस तैयार किए थे उनमें उस पर भरोसा न करने की सलाह दी गई थी। उनका आदान प्रदान तब तनावपूर्ण हो जाता है जब अप्पू पिल्ला की अमृत पर उनकी अतीत के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाता है जिस पर अमृत कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे ही वे बहस करते अजय और अर्पणा घर लौट आते और अमृत जल्दी से चला जाता है और चुपके से अप्पू पिल्ला के कुछ नोटिस ले लेता है। अप्पू पिल्ला का अमृता पर बढ़ता संदेह उसकी आसपास की रहस्य को और गहरा कर देता है। एक दिन पास के जंगल में वन्यजीव फोटोग्राफरों के एक समूह ने पिस्तौल पकड़े एक बंदर की चौंकाने वाली तस्वीर खींची। खबर तेजी से फैलती है और संदेह होता है कि यह वही पिस्तौल है जो अप्पू पिल्ला ने 2 साल पहले खो दी थी। स्थानीय पुलिस शामिल हो जाती है और
अप्पू पीला पुष्ट करता है कि बंदर के पास देखा गया हथियार वास्तव में उसका है। इस अजीब घटना से घर में तनाव और बढ़ जाता है। कुछ ही समय बाद पड़ोसियों की तरह एक चौंकाने वाली खोजी की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप अली की आसिफ अली की फ़ैन हो और किसी कंदक कांडो मूवी को देखना पसंद करती हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किसी कंदक कांडो ओटीटी सीरीज आसिफ अली स्टार इस तारीख को स्ट्रीमिंग शुरू होगी। आसिफ अली की सुपरहिट मनोज्ञानिक थ्रिलर फिल्म किसी कंदा कारम कथित तौर पर ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म बीट के अनुसार किसी कंदा कारम 1 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग शुरू करने की तैयार है। निर्माताओं की ओर से जल्दी इस पर आधिकारिक दृश्य की उम्मीद है। ओनम के मौसम में 2 सितंबर को बड़े पर्दे पर आने वाली आसिफ अली और दिलजीत की अज्ञाथन की किसी कंदा कारम को दर्शकों से विशेष रूप से इसकी मनोरंजन की पटकथा और शानदार अभिनय के लिए अत्यधिक ही सकारात्मक की समीक्षा मिली। विस्फोटक के लिए ही समीक्षकों की विस्फोटक की नोलन की मेमोटो और हॉलीवुड फिल्म रिमेंबर की से काफ़ी मिलती जुलती किसी कंधा की कारम निश्चित रूप से बॉलीवुड की एक अनूठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। आसिफ अली की विजय राघवन और अपर्णा बाल मुरली अभिनीत की किसी कंधा कारम एक अनोखी रहस्यमय कहानी जो बंदरों से भरे कले पत्थर रिजॉर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द घूमती है और घटनाओं की श्रृंखला तब शुरू होती है जब एक बंदूक गायब हो जाती है। एक अच्छी तरह से पैक की गई कथा और एक उपयोग की चरमत्कर्ष के साथ किसी कंदा कारम को दर्शकों से प्रशंसा मिली। आसिफ अली ने अजय चंद्रा नाम किया किरदार निभाया और विजय राघवन ने अप्पू पिल्लई नामक एक पुरुष सैनिक की अधिकारी की भूमिका निभाई। किसी कंदा कारम के लिए टाइम्स की समीक्षा में लिखा गया कि पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को आकर्षित करती धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करती है। तकनीकी रूप से फिल्म अपने वायुमंडलीय की सेटिंग और धवानी डिजाइन के साथ उड़को से जंगल और उसकी बंदर पत्रों की कच्ची और उद्यमय की भावनाओं के प्रतीक है। मुजीब को मस्जिद का स्कोर महत्वपूर्ण क्षणों को तीव्र करता है और स्वराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमी गति से लेकर समीक्षकों की स्वराज की एस का निष्पादन फिल्म की धीमे खंडों के दौरान भी जुड़ाव बनाए रखता है। पटकथा चतुराई से ऐसे सुराग देती है जो दर्शकों को आकर्षित करते और धीरे धीरे महत्वपूर्ण विवरण प्रकट करते हैं। इस बीच आसिफ अली की पिछली फिल्म सूरज वेजरामोलो अभिनीत फिल्म एडियोस अमिंगो थे सर देखकर आसिफ अली की बहुप्रतीक्षित एक्शन फिल्म की टिकी टक्का पाइपलाइन में है। यह भी देखें कि 224 की सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म में 224 की सेस्ट रेटेड मलयालम फिल्म में नवीनतम मलयालम फिल्म है और समीक्षकों से लिए ही नकारात्मक किया गया था। किसी कंदम की 224 मूवी की रिव्यू के लिए ही तक पहुंचने में असमर्थ है। यह वेबसाइट ऑनलाइन हमलों से खुद को बचाने के लिए एक सुरक्षा सेवा के लिए ही समीक्षकों के उपयोग करें। आपके द्वारा अभी अभी एक कई कार्रवाई ने सुरक्षा समाधान को ट्रिगर किया। ऐसी कई क्रियाएं हैं जो इस ब्लॉग को ट्रिगर कर सकती है जिसमें एक नीचे सभी वाक्यांश एक सगर की कमांड या विकृत डेटा सबमिट करना शामिल है। आप साइट की मालिक को ईमेल करके बता सकते हैं कि आपको ब्लॉक कर दिया। कृपया बताएं कि जब यह पेज आया था तब आप क्या कर रहे थे और इस पेज के नीचे क्लाउड फ्लेयर आईडी क्या है और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक किया गया था। नकारात्मक के लिए ही समीक्षकों की नकारात्मक और दोनों के लिए ही कसकंडा की रिंका वैष्णवती के लिए ही किसी कंदा कारम अनुवाद किसी कंदा अध्याय 124 भारतीय मलयालम भाषा की रहस्य थेरेपी में जो दिनजीत की अज्ञाथन के द्वारा निर्देशित और बहु रमेश की तरह लिखी रेफी में आसिफ अली अर्पणा बलमुरली और
विजय राघवन है। कहानी बंदरों के निवास वाले करेपति आरक्षित वन में घटित होती है, जहां पूर्व सैन्य अधिकारी अपू पिल्ले और उनके बेटे वन अधिकारी अजय चंद्रन की रहते हैं। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई 2023 में शुरू और अगस्त 2023 में केरल और हैदराबाद में 40 दिनों के फिल्मकान के बाद समाप्त हो गए। आप फिल्म का संगीत मुजीब मजीद की तरह तैयार किया गया था। आजब की निष्पादन और छायांकन क्रम सूरज ईएस और बाहुल की रमेश की तरह किया गया था। फिल्म को 2 सितंबर 2024 को रिलीज किया और कहानी पटकथा बैकग्राउंड स्कोर मुख्य कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की और बॉक्स ऑफिस पर वैसाही के रूप से सफल। यह मुख्य भूमिका में आसिफ अली के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। यह 2024 की 9वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म के रूप में उभरी। इस लेखक कथानक श्रांस बहुत लंबा या अत्यधिक की प्रस्तुत हो सकता है। फिल्म की शुरुआत एक समृद्ध वन अधिकारी अजय और अर्पण की शादी से होती। अपनी शादी के बाद भी अजय के पारिवारिक घर में चले जाते, जहां वह अपने पिता अपू पिल्ला एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के साथ रहता है। यह घर एक घने वन की अभयारण्य के पास स्थित है, जो जंगली बंदरों की आबादी के लिए जाना जाता है, जो अक्सर स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का कारण बनते। अपू पिल्ला को संभव करके पिछले सैन्य करियर के कारण एक सख्त और संयमित व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। आरंभ में यह पता चला कि अपू पिल्ला की लाइसेंसी पिस्तौल 2 साल पहले गायब हो गई थी और तब से वह लापता है। लगातार इसकी तलाश कर रहे कि नियमित रूप से अधिकारियों से इसके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे। अजय भी एक व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए, उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी के लिए ही समझो कि व्यक्तिगत त्रासदी के बोझ तले दबे हुए उनका बेटा और उनकी पिछली पत्नी चाचू 3 साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। काफ़ी कोशिशों के बावजूद अजय को अपने खोए हुए बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। इस नुकसान का भावनात्मक भार स्पष्ट है और अजय अभी भी हर संभव प्रयास कर रहा है जो उसे चाचू का पता लगाने में मदद कर सके। यहाँ तक कि उसकी तलाश में दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी कर रहा है। अर्पणा को इस रास्ते के बारे में पता चल रहा है और वह अपने लापता बच्चे की तलाश में अजय के साथ यात्रा भी जाती है। जैसे अर्पण अजय के घर में अपने ही नए के जीवन में बसती है, उसे अपने ससुर अपू पिल्ला का अजीब और परेशान करने वाला व्यवहार नजर आने लगता है। उसके मूड में बदलाव, गुप्त स्वभाव और गुम पिस्तौल की प्रीति जुनून उसके संदेह को बढ़ाता है। जब वह इन चिंताओं को अजय के साथ साझा करती तो वह उन्हें खारिज कर देते हैं और उसे आश्वस्त करते हैं कि अपू पिल्ला का व्यवहार केवल उसकी बुढ़ापे की समस्याओं का परिणाम है। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि उनकी पिता वर्षों से समृद्धि हनी से प्रीत है, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करने के लिए उन्होंने इसे निपटने के लिए अपना शौर्य का तंत्र विकसित करते हैं। हालांकि अजय ने अर्पण को चेतावनी दी कि जब अपू पिल्ला से उसकी सृष्टि के बारे में पूछा जाता है या चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बेहतर होगा कि इस बारे में उसे ना कहा जाए। अमृता लाल नाम का एक व्यक्ति जिसका अपू पिल्ला के साथ एक लंबा इतिहास रहा घर पर आता है। अपू पिल्ला दीवार पर लगी तस्वीरों से आगंतुक को पहचानने की कोशिश करता है और अमृत के साथ बातचीत में शामिल होने से पहले चुपचाप अपने कमरे